दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। बॉलीवुड के दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर, जिसको सुनने के बाद दबंग खान के दीवाने ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भैया अब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भैया बिगेस्ट हिट फिल्म होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई क्या बड़ी खबर आई है दबंग खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली इस फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जो कि ईद के अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट फिल्म बनाने के लिए इस फिल्म की जो टीम है वो दिन रात मेहनत कर रही है और भाई उनकी मेहनत रंग लाती नजर भी आ रही है मेरे भाई। यार एक तरफ इस फिल्म की टीम इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट फिल्म बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो भैया दूसरी तरफ इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बनाने के लिए सलमान खान ने भी भैया बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, जिसकी जानकारियां अब धीरे धीरे हम लोगों के सामने आने लगी। और आज एक ऐसी ही बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है जिसको देखने के बाद तो मैं भी अचंभित हो गया कि भैया इस बात की जानकारी तो किसी को कानों कान दबंग खान ने लगने ही नहीं दिया था मेरे भाई। दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि भैया दबंग खान की आने वाली इस फिल्म के कुछ गाने लॉन्च किए जा चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि भैया इस वक्त धमाल मचा रहे हैं म्यूजिक वर्ल्ड में। यानी भाई हाल फिलहाल में ही नहीं ओ लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होले इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होले इंतजार मुझे तेरा, ये गाना आया। और भाई इस गाने में सलमान खान के स्टेप्स को देखने के बाद भैया उनके चहेते भैया समझ ही ना पाए कि भैया ये कौन सा डांस सलमान खान कर गए जो कि भैया ट्रेंडिंग में आ गया। तो भाई ये गाना ये डांस तो ट्रेंडिंग में आ गया है और भैया एक नया गाना सलमान खान ने सबके सामने रख दिया है, जिसको देखने के बाद तो भाई हर कोई यही बोल रहा है कि भैया सलमान खान ने ये हुनर फाइनली अपने फिल्म में दिखा दिया मेरे भाई। यानी कि भैया सलमान खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर आज एक बहुत बड़ी जानकारी एक शानदार ग्लिम्स के माध्यम से हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का कल एक और जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग एक जबरदस्त सिंगर की आवाज में आपको कल सुनने को मिलेगा। तो भाई पहले इस गाने के बारे में आप लोग जानिए। तो दोस्तों ये गाना क्या है, तो भैया जी रहे थे हम इसके बोल हैं, जो कि कल लॉन्च कर दिया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई इस गाने को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस गाने के म्यूजिक को अमाल मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल को शब्बीर अहमद ने लिखा है। लेकिन आपको पता है ये गाना कौन गाए हैं? समझ गए आप? जी हाँ, आप जो समझ रहे हैं वही हम आप लोगों से कहने जा रहे हैं। भैया इस गाने को खुद सलमान खान ने गाया है मेरे भाई। यानी कि भैया एक्टर के साथ अब भैया सलमान खान जो है फाइनली फिल्मों में भी सिंगर वाला किरदार निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप लोग को याद ही होगा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो भैया उस वक्त सलमान खान ने लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे गाने भैया अपने चाहने वालों के सामने रखे थे अपने फार्म हाउस से। तो भैया वहां से सलमान खान ने जो जर्नी शुरू की थी सिंगिंग की दुनिया की, वो अब भैया अपने फिल्मों में भी लेकर आने लगे हैं। तो भाई कल जब सलमान खान अपनी इस फिल्म में अपनी आवाज के माध्यम से अपना गाना सुनाएंगे तो आप समझो कि यह गाना कितना बड़ा हिट होने वाला है मेरे भाई। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह रहेगी कि भैया ये गाना सलमान खान ने गाया कैसा है। अभी तो थोड़ा सा झलक हमें सुनने को मिला है, कल इस गाने को हम लोग जब पूरा सुनेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भैया दबंग खान ने इस गाने को क्या वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया है या फिर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाया है।
तो भैया कल इस बात की जानकारी हम आपको दे देंगे, लेकिन भैया गाने का जो ग्लिम्स हम लोग के सामने आया वो बहुत ही रोमांटिक है मेरे भाई। यानी कि जब आप इस गाने के इस ग्लिम्स को देखोगे तो आप ये बात पाओगे कि भैया सलमान खान जो है वो स्टड अवतार दिखाते हुए मार्केट में टहलते हुए जा रहे हैं और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अपनी महबूबा पूजा हेगड़े को देखते हैं जो भैया मार्केट में कुछ परचेजिंग कर रही है। और उसके बाद ये लोग एक रोमांटिक लोकेशन पर आ जाते हैं जहां पर भैया सलमान खान जो है वो माइकल जैक्सन वाला भैया स्टेप करके दिखाते, वो बूट पे टेढ़ा नहीं हो जाते हैं भैया 45 डिग्री के एंगल पर, वैसे ही एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर सलमान खान भैया टेढ़ा हो रहे हैं किसके साथ, तो पूजा हेगड़े के साथ। तो भाई वाकई में गाने का जो ये ग्लिम्स हम लोग के सामने आया है बहुत ही जबरदस्त है। अब पूरा गाना सुनने के बाद हम लोग ये तय कर पाएंगे कि भैया गाना वाकई में इस ग्लिम्स की तरह जबरदस्त है या फिर बेहतरीन है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।